एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। इनकम टैक्स में इस बात का प्रावधान है कि अगर आपके पास ड्यू है, आप ड्यू नहीं देंगे तो रिकवरी में आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। This issue affects not just the Indian National Congress, it impacts our democracy itself most fundamentally. A systematic effort is underway by the Prime Minister to cripple the Indian National Congress financially. Funds collected from the public are being frozen and money from our accounts is being taken away forcibly. सुप्रीम कोर्ट ने जिस चुनावी चंदा बॉन्ड को इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, उस स्कीम के तहत मौजूदा सत्ताधारी दल ने हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा अपने अकाउंट में भर लिया है और दूसरी तरफ साजिशन मुख्य विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है ताकि हम पैसों के अभाव में बराबरी से चुनाव ना लड़े और ना लड़ पाए। ये सत्ताधारी दल द्वारा एक खतरनाक खेल है। देश के लोग आपको वोट नहीं देते और आगे नहीं देने वाले हैं तो हम क्या करें? अगर राहुल गांधी की यह अपेक्षा है कि भाजपा के मित्र उनके लिए कैंपेन करें तो ये तो हम करने वाले हैं नहीं, क्योंकि उनका तो स्टॉक मार्केट इतना गड़बड़ाया हुआ है। और आज मैं कांग्रेस के लोगों को एक बात कहना चाहूंगा, हम भी चाहते हैं कि विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी पनपे, कितना पनपे उनका विषय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब समझे कि जब जब राहुल गांधी से मुंह खुलवाएंगे तब तक स्टॉक मार्केट का और गिरेगा। बॉन्ड से काला धन समाप्त होने के कगार पर था और इस फैसले से चुनावी व्यवस्था में फिर से काले धन का दबदबा बढ़ेगा। इसीलिए राहुल जी के नेतृत्व में पूरा इंडिया अलायंस बॉन्ड के खिलाफ था और वो चाहते थे कि पहले की तरह जो कट मनी आता था वो कट मनी फिर से एक बार राजनीति पर हावी हो।